आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आपका रीट का नया सिलेबस आ गया है। उस सिलेबस में एक टॉपिक आया है, नया टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ये नया टॉपिक है भाई। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है ना, उनको बिल्कुल जिलेवार डिटेल से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जिलेवार डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपका कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस आया है, ये सिलेबस आप लोगों को लग रहा होगा टू दी पॉइंट है, परंतु ये बहुत बड़ा सिलेबस है प्यारे साथियों। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपसे पूछ लिया कि ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है और आपने आंसर दे दिया, नहीं। हम लोग उसके साथ साथ क्या करेंगे, डिटेल को भी जानेंगे। जैसा आपसे पूछ लिया कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अब आपने जवाब दे दिया सेवर भरतपुर, अब आपका ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप यहां तक ही सीमित नहीं रहेंगे, आपको सरसों अनुसंधान केंद्र का पूरा पोस्टमार्टम करना है, कहां कैसे क्या क्या उसका मतलब जो जो उसके इफेक्ट है ना, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं है किस माइंड से सवाल पूछ ले, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन मैं आपके बीच लेकर आया हूं। इसके बाद जो आपकी बेहद डिमांड होती है, जो आपका पढ़ने का स्टाइल होता है कि कौन सा एक चार्ट बनाऊंगा मैं, उस चार्ट के आधार पर मैं बताऊंगा आपको कि आप लोग पढ़ते हो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, जैसे तभी जी अजमेर में है, उसके बाद है आपका आफरी है, काजरी है, सूरतगढ़ वाला है, ये केंद्रीय फार्म है जो, उसके बाद ऐसे आप लोगों को जिलेवार भी मैं आपको चार्ट बनवाऊंगा कि कौन सा इधर आपका जो केंद्रीय अनुसंधान है संस्थान है यानी, और एक तरफ आपके आएंगे बिल्कुल जिलेवार, ऐसे मैं आपको एक चार्ट ही बनाने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम राष्ट्रीय, किसके साथ शुरू करते हैं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका है सेवर भरतपुर में। कहां पर है ये, है आपका सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर, भरतपुर का इंजन छाप तेल भी प्रसिद्ध है, मैं बता देता हूं आपको, भरतपुर का इंजन छाप तेल भारत में प्रसिद्ध है। कहां पर प्रसिद्ध है, पूरे भारत में भरतपुर का इंजन छाप तेल प्रसिद्ध है। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसकी स्थापना की, सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना की गई प्यारे साथियों 20 अक्टूबर, कब की गई, 20 अक्टूबर 1993। अब देखिए आपसे एग्जामिनर किस तरह सवाल पूछ सकता है, जो आपका है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है बिल्कुल कहां पर है, सेवर भरतपुर में है। उसके बाद आपसे पूछेगा वो सेवर भरतपुर में है बिल्कुल, इसकी स्थापना कब हुई, 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है, कब होती है, 20 अक्टूबर 1993। और बहुत ही गजब का सवाल अब आपसे क्या पूछ सकता है कि अच्छा सवाल बन सकता है, अच्छा सवाल कैसे कौन सा बन सकता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे साथियों, सुनिएगा। जो आपका सरसों अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना, ये डेट ना पूछ करके एग्जामिनर क्या है एक मतलब अच्छा लेवल का सवाल बना सकता है। अगर आपको पंचवर्षीय योजना याद है और आपको पता है पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप सोवियत संघ से लिया गया था, वर्तमान में पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इनको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, और नरेंद्र मोदी की सरकार थी उस समय, आपको पता है 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल था 12 से 17, कब से कब तक था 12 से 17, और उसके बाद इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है 12वीं पंचवर्षीय। अब यहां से आपसे गजब का सवाल पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है प्यारे साथियों, किस पंचवर्षीय योजना में, तो यहां पर आपका आप लोगों को आंसर देना है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में किसकी स्थापना होती है, सेवर भरतपुर में 20 अक्टूबर 1993 के दिन स्थापना होती है प्यारे साथियों। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो अब आपको यह भी पता होना चाहिए, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है आ जाइए भाई, ठीक है ये लीजिएगा। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का समावधि क्या थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की समावधि थी 1992 से 1900 आपका
ठीक है भाई, 1992 से 1997 सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। बिल्कुल, आप याद रखिएगा, स्मार्ट हो गया एग्जामिनर, देख लीजिएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापना होती है? सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापना होती है। कब होती है भाई? डेट पूछ लेगा आपसे, 20 अक्टूबर 1993 को होती है। कहां पर होती है? सेवर भरतपुर में होती है। किसकी स्थापना होती है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। कब होती है? 1993 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना? सातवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, इसकी जो स्थापना होती है ना प्यारे साथियों, वो होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक क्या किया, एक कार्यबल गठित किया। वो गठित कब किया? ICAR होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसने 1990 में एक क्या किया गया, एक कार्यबल गठित किया। उसकी सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना होती है। किसकी? सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की। तो यहां पर लिखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1990 में इसने क्या किया, एक कार्यबल गठित किया, एक कार्यबल गठित किया। उस कार्यबल के आधार पर कार्यबल की सिफारिश के आधार पर ऐसे लिखिएगा, कार्यबल की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना होती है। किसकी? सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप आगे देखिएगा प्यारे साथियों, राई एवं सरसों अनुसंधान, देखिएगा यहां पर आप लोगों से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राई अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भरतपुर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में। तो प्यारे साथियों, इसमें क्या किया गया, आगे देखिएगा, इसमें क्या किया गया, राई एवं सरसों यहां पर दोनों का ही है। कई लोग क्या है कि मैं आज सुबह ही जैसा आपका ये सेशन तैयार कर रहा था, तो मैं गूगल वगैरह पर देख रहा था, तो कुछ लोग ऐसे बता रहे थे कि राई अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भरतपुर में है। परंतु क्या है प्यारे साथियों, राई एवं सरसों पर आधारित रणनीतिक और अनुपयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। किस पर? राई एवं सरसों पर क्या किया जाएगा, इसमें अनुसंधान किया जाएगा, और इसके जो भी नए इनोवेशन है उनको क्या दिया जाएगा, बल दिया जाएगा। तो ये किस पर काम करेगा, यहां पर जो मेन फोकस रहेगा राई एवं सरसों पर, इस अनुसंधान में फोकस रहने वाला प्यारे साथियों। अब एक पंचवर्षीय योजना और आएगी जो आपको बिल्कुल परेशान कर सकती है, और वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब आप 11वीं पंचवर्षीय योजना क्यों याद करोगे, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। पंचवर्षीय योजना, सर आप पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहे हो या हमें अनुसंधान केंद्र पढ़ा रहे हो राजस्थान के प्रमुख, और आप तो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र पर ही नहीं रुके, आपने तो क्या है डिटेल और बताना शुरू कर दिया, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कब इसकी स्थापना होगी, सर इतना डाटा। यहाँ तो आपके काफी लोगों के कमेंट आएंगे कि आप लोग कहोगे सर ऐसे पूछेगा जिला और सुमेलित करवा लेगा, जिले का नाम पूछेगा, कौन सा अनुसंधान केंद्र किस जिले में है, यहाँ तक सीमित। क्योंकि देखिए भाई, आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते एग्जाम अंदर किस तरह का प्रश्न देगा। आप लोग अनुमान लगाते तो आपकी नौकरी लग जाती अब तक, अगर आप सोचते जैसा होता तो नौकरी लग जाती। आप लोगों को यार डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात आती है, और ये होती है आपका 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब आप कहोगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा क्या हुआ, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में देखिए, पंचवर्षीय योजना का समय काल है 2007 से 2012। अब बात आती है फरवरी में, फरवरी महीना होता है। अब फरवरी महीना याद आता है आपको, पता नहीं क्या क्या याद आने लग जाता है, परंतु बात है 2009 की। फरवरी महीना बाद 2009 की, नाम परिवर्तित हो गया भाई। किसका नाम परिवर्तित हो गया? सेवर भरतपुर वाले जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है उसका नाम परिवर्तित हो गया। अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर में। अब इसका नया नाम कर दिया गया है प्यारे साथियों, सरसों अनुसंधान निदेशालय। क्या नाम कर दिया गया है? सरसों अनुसंधान निदेशालय इसका नाम कर दिया गया है। अब इसका नया नाम है सरसों अनुसंधान, सरसों अनुसंधान
सरसों अनुसंधान निदेशालय अब इसका नाम कर दिया गया है प्यारे साथियों। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के नाम से आप जिसको जानते थे, उसका फरवरी 2009 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि थी 2007 से 12, उसके दौरान फरवरी 2009 में इसका नाम बदलकर सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है प्यारे साथियों। क्या नाम कर दिया गया? बिल्कुल बहुत ही शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं जैसा मैं देख पा रहा हूं। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है प्यारे साथियों, सरसों अनुसंधान निदेशालय। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं इसकी स्थिति की, ये कहां पर स्थित है। अब आप लोगों को पता है सर ये भरतपुर में स्थित है, भाई भरतपुर में तो है, पर अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। अब यहां पर तो क्या है, देखिएगा ऐसे ऐसे थोड़ा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं प्यारे साथियों। ये तो हो गया आपका रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन हो गई, ठीक है, और इधर है भरतपुर जंक्शन, भरतपुर स्टेशन कर दो, ये भरतपुर स्टेशन हो गया, ठीक है, यहां पर रेलगाड़ी आई, ये गई, इधर होगा आपका बस स्टैंड। सर ये क्या डायग्राम बता रहे हो, देखिए भाई डिटेल से बताऊंगा आपको। और ये है आपका हाईवे है भाई, और यहां पर अवस्थित है सरसों अनुसंधान निदेशालय, नया नाम है ना इसका सरसों अनुसंधान ये आपका सरसों अनुसंधान निदेशालय भाई, बिल्कुल सरसों अनुसंधान निदेशालय प्यारे साथियों। अब यहां पर मैं बात कर रहा था ये आपको राजमार्ग है, तो ये राजमार्ग आपका जयपुर आगरा राजमार्ग, जयपुर आगरा राजमार्ग है बिल्कुल, ये आपका बस स्टैंड है भरतपुर बस स्टैंड, यहां से तो ये कितनी दूरी है 3 किलोमीटर, समझने की कोशिश करिएगा। और ये आपका रेलवे स्टेशन है प्यारे साथियों, बिल्कुल समझ आ रहा होगा ना आपको, भरतपुर बस स्टैंड से सरसों अनुसंधान निदेशालय की दूरी है प्यारे साथियों 3 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं भरतपुर स्टेशन से तो यहां पर है 7 किलोमीटर दूरी पर है, ये कितनी किलोमीटर दूरी पर है, 7 किलोमीटर दूरी पर तो है भरतपुर रेलवे स्टेशन से सरसों अनुसंधान निदेशालय। अगर बात करता हूं मैं रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर, बस स्टैंड से 3 किलोमीटर, जयपुर आगरा हाईवे पर। अब यहां से मैं आपको बीच जब मैं टेस्ट सीरीज की श्रृंखला लेकर आऊंगा तो मैं आपको इतना डिटेल से टेस्ट सीरीज कवर करवाऊंगा प्यारे साथियों कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। पता है कैसे आएंगे सवाल, निम्न में से कौन सा भरतपुर में स्थित सरसों अनुसंधान निदेशालय के बारे में कथन सत्य है, युग्म सत्य है, असत्य है, ऐसे इस तरह के सवाल मैं आपके बीच लेकर आऊंगा। उसमें एक ये भी प्रश्न होगा, उसमें एक एक ऑप्शन ये भी रखूंगा मैं, यह आगरा जयपुर राजमार्ग पर स्थित है, और वहां पर क्या कर दूंगा मैं आगरा दोसा कर दूंगा, जयपुर आगरा उल्टा पुल्टा करके और आपसे कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। परंतु प्यारे साथियों अगर आपने थ्योरी अच्छे से क्लियर कर ली, जयपुर आगरा बस स्टैंड से 3 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर, सरसों अनुसंधान निदेशालय आपका फरवरी 2009 में इसका नाम बदला गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका नाम बदला गया प्यारे साथियों, बिल्कुल आपको डाटा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही शानदार। अगर मैं बात करूं अगला आपका जो बेहद महत्वपूर्ण है, इसकी अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, 44.21 हेक्टेयर में फैला हुआ है, कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है ये 44.21 हेक्टेयर में जो सरसों अनुसंधान निदेशालय आपका फैला हुआ है, बिल्कुल प्यारे साथियों। अब आगे बढ़िएगा भाई, बहुत ही शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं जैसा कि, ठीक है आगे बढ़ो। अब थोड़ी सी इसके कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ये कार्य क्या क्या करेगा, ठीक है, इतना डिटेली आपने जान लिया कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना होती है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में आप इसका नाम बदलते हैं, कब इसकी स्थापना होती है, कब इसका नाम परिवर्तित हो सकता है, बिल्कुल दोनों ही तरह के सवाल आ सकते हैं। और बिल्कुल प्यारे साथियों अगर आपने पढ़ा है, बिल्कुल राजस्थान की आपने पॉलिटी पढ़ी है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में आप नॉलेज रखते हो, तो आपसे यह अगला प्रश्न मेरा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जब सरसों अनुसंधान केंद्र 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना होती है राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर में, तो प्यारे साथियों उस समय राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन थे, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा।
आपका प्रीवियस नॉलेज कितना अच्छा है मैं देख पा रहा हूँ कमेंट सेशन में, आप तब तक कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं इसके कार्य क्षेत्र की बात करता हूँ। ये करता है भाई, इसका पहला कार्य है फसल सुधार करता है, क्या करता है फसल सुधार करता है, बिल्कुल। दूसरा फसल में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फसल उत्पादन उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं फसल सुधार, फसल उत्पादन में वृद्धि, फसल सुरक्षा, जैव रसायन, फसल सुरक्षा का कार्य कार्य के लिए, यानी फसल की सुरक्षा में जो जो नई टेक्निक वगैरह, टिड्डियों का आक्रमण उनसे बचना कैसे, जो भी मतलब फसल में बीमारी कीटाणु वगैरह आते हैं उनके लिए, और उसके लिए क्या करेगा जैव रसायन का प्रयोग होगा। तो ये सारी चीजें है ना उनको ध्यान में रखता है, और नए नए इनोवेशन किए जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो नए नए बीज वगैरह है उनको भी तैयार किया जाता है, तकनीकी का प्रसार किया जाता है। प्यारे साथियों कृषि ज्ञान का प्रबंधन किया जाता है, कैसे इस कृषि में माइक्रो मैनेजमेंट हो, कैसे बिल्कुल मतलब जो भी टेक्निक होती है राई और सरसों से संबंधित, यहाँ पर जो इनोवेशन होता है बीज को लेकर हो चाहे किसी भी सेक्टर को लेकर हो, यहाँ पर राई और सरसों का मुख्यतः इनोवेशन होने वाला है। प्यारे साथियों अब बताइए भाई, अब आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके छाप दो कि आपका सरसों अनुसंधान निदेशालय फरवरी 2009 में नाम परिवर्तित कर दिया गया, आप इस नाम से ही बोला करो इसको। इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दो भाई, छाप दो फटाफट छाप दो, कोई डाउट है बिल्कुल कोई, क्योंकि मुझे वो लगता है ऐसा डाउट रहेगा ही नहीं। प्यारे साथियों आपने आज तक इतना ही पढ़ा था कि इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई भाई, कहां पर हुई, सीहोर अजमेर, सीहोर भरतपुर में हुई, और ये आपका बस इतना ही पढ़ के आपने छोड़ दिया, परंतु मैंने आपको फुल डिटेल देने की कोशिश की है। आपको ये कैसा लगा इस तरह से मेरा टॉपिक क्लियर करना, एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छाप दो भाई। प्यारे साथियों अब आगे बात करता हूं मैं, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, केंद्रीय चलिए भाई अब बात करते हैं अपन केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान, किसकी बात कर रहे हैं, ऊन अनुसंधान संस्थान। अब आपको ये रटे हुए हैं ये तो आप बता दो कि ये कहां पर है, बता दो भाई फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छाप दो कहां पर, बिल्कुल ये कहां पर है आपने रटा हुआ है, अविका नगर, अविका नगर कहां पर है, अविका नगर, अभी अविका नगर कहां है, अविका नगर ये पड़ता है भाई आपका मालपुरा के पास, मालपुरा कहां पर है, ये मालपुरा नहीं ये मालपुरा है, ये मालपुरा कहां पर है, ये टोंक में है भाई। प्यारे साथियों ये है अविका नगर टोंक में, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा के नगर मालपुरा के नजदीक टोंक में पड़ता है। प्यारे साथियों अब मैं बात करता हूं इसकी स्थापना, इसकी स्थापना होती है 1962 में, कब होती है स्थापना 1962 में इसकी स्थापना होती है। प्यारे साथियों 1962 अविका नगर टोंक केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र, इसके परिसर की बात की जाए तो इसका परिसर प्यारे साथियों 1510 हेक्टेयर में, कितने हेक्टेयर में है 1510 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है भाई हेक्टेयर में फैला हुआ है, उसका था 44.21 सेवर भरतपुर वाला, और इसका है 1510 हेक्टेयर में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना, देखिए हर चीज को कोई भी काम करते हैं उसके पीछे उद्देश्य होता है, आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपको उद्देश्य है आपका नौकरी लगना भाई, रीट में जो भी रीट के माध्यम से ग्रेड थर्ड हो रहा है आयोजित, उसके माध्यम से आप नौकरी लगना चाहते हो भाई, किसी का अलग अलग उद्देश्य, कोई नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, परंतु आज के समय में ऐसा बहुत ही कम बंदे मिलेंगे आपको जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी अपना अपना उद्देश्य और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। साथियों इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य था भेड़ एवं खरगोश की उत्पादकता में वृद्धि करना, तो आप लिखिएगा इसका प्रमुख उद्देश्य था, उद्देश्य है भेड़ एवं खरगोश की उत्पादकता में वृद्धि, खरगोश की उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है भाई इसका मुख्य उद्देश्य है भेड़ एवं खरगोश की उत्पादकता में वृद्धि करना था। किसका उद्देश्य था, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का उद्देश्य था। 1962 में इसकी स्थापना की जाती है, अविका नगर टोंक में इसकी स्थापना की जाती है, 1510 हेक्टेयर में इसका क्षेत्र है,
यानी इसका जो फैलाव है कैंपस का 1510 हेक्टेयर में प्यारे साथियों। अब इसके क्या है भाई, इस अविका नगर टोंक वाले के तीन क्या है, क्षेत्रीय केंद्र है, तीन क्षेत्रीय केंद्र है। अब बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो आप, कितना डिटेल पढ़ा रहे हो भाई, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, किस मूड से पेपर बना दे और आपका आपकी लंका लगा देगा, पता नहीं किस मूड से पेपर बनाएगा वो। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिएगा इसके क्या है, तीन क्या है, क्षेत्रीय केंद्र है तीन। अब देखिएगा सबसे पहला क्षेत्रीय केंद्र है उत्तर शीतोष्ण क्षेत्रीय स्टेशन, कहां पर है उत्तर शीतो उत्तर क्षेत्रीय है, उत्तर क्षेत्रीय शीतोष्ण, उत्तर क्षेत्रीय शीतोष्ण केंद्र, इसकी स्थापना प्यारे साथियों 1963 में होती है और ये पड़ेगा आपका कहां पर है भाई, ये है आपका कुल्लू। अब कुल्लू मनाली तो आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश में, ये पड़ेगा आपका कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, उत्तर क्षेत्रीय शीतोष्ण केंद्र 1963 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, कुल्लू में है भाई, 1963 में है, बिल्कुल कुल्लू में 1963 में इसका स्थापना होती है और उसकी अपने राजस्थान वाले के जो मेन केंद्र है ना उसके 1962 में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई आपका जवाब बहुत ही शानदार आ रहे हैं और लगातार आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। आगे चलिए, अब बात करते हैं, एक उत्तर का हो गया, अब दक्षिण का भी है, दक्षिण को भी देख लो। दूसरा है आपका, दूसरा कौन सा है, दूसरा दक्षिण का है, दक्षिणी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, दक्षिणी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, दक्षिणी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र प्यारे साथियों, ये कहां पर है आपका, ये कहां पर है, ये पड़ेगा आपका मन्नावूर तमिलनाडु में पड़ेगा प्यारे साथियों, मन्नावूर तमिलनाडु में, मन्ना गांव में कहते हैं ना मन्ना बाबा, मन्नावूर तमिलनाडु में पड़ेगा प्यारे साथियों। इसकी स्थापना 1965 में हुई, देखिएगा भाई 1963 में तो उत्तर क्षेत्रीय शीतोष्ण केंद्र की, दक्षिण क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है 1965 में। अब बात करते हैं, बोलो सर तीसरा कौन सा है, तीसरा भाई अपने राजस्थान में ही है, तीसरा कहां पर है, तीसरा अपने राजस्थान में ही है भाई, बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार आपके कमेंट चल रहे हैं, तीसरा अपने राजस्थान में है, बिल्कुल कहां पर है ये आपका शुष्क क्षेत्रीय परिसर, कहां क्या नाम है इसका, शुष्क क्षेत्रीय परिसर, इसकी स्थापना होती है भाई 1974 में है और ये राजस्थान के बीकानेर जिले में है, कहां पर है बीकानेर जिले में ही है। अब देखिएगा भाई तीन केंद्र हो गए, कौन कौन से हो गए, बिल्कुल तीन हो गए, उत्तर शीतोष्ण केंद्र कुल्लू मनाली, आप याद रखिएगा कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली, मनाली नहीं है यहां पर, ठीक है। दूसरा है दक्षिणी और ये है मन्नावूर तमिलनाडु में, देखिए पहले की स्थापना होती है 1963 में, दूसरे की होती है 65 में, तीसरे की 74 में होती है, जबकि जो मेन सेंटर है उसकी स्थापना 1962 में होती है, अविका नगर टोंक मालपुरा के नजदीक पड़ता है प्यारे साथियों, ठीक है बिल्कुल। और इस पर क्या किया गया है, खरगोश और भेड़ के स्पेशली फोकस किया गया, खरगोश और भेड़ पर, ठीक है भाई। अब ये देख लेगा और इसकी थोड़ा सा एक और डिटेल देखिएगा, 736 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है, कितने हेक्टेयर में कैंपस है, राजस्थान वाला कैंपस है ना उसका, यहां पर क्या है कि एरिया मेंशन था, एरिया मेंशन था 636 हेक्टेयर, ठीक है भाई। अब बताओ इससे संबंधित आपको कोई डाउट है क्या, यह अविका नगर टोंक वाला आपका जो अनुसंधान केंद्र है बिल्कुल डिटेल के साथ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार थम्सअप करके भेज दिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार आपके कमेंट आ रहे जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं अगला आपका जो अनुसंधान केंद्र है, बहुत ही गजब का अनुसंधान केंद्र होने वाला है भाई, लाइक शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर में कंजूसी नहीं करिएगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं डलवा दूंगा प्यारे साथियों, टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा बिल्कुल। अब चलते हैं भाई आगे, तीसरा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान
खेंद। अरे ये तो रटा हुआ है, ये तो रटा हुआ है। बोलो सर ये तो आप जैसे ही पूछोगे ना ये तो हम बता देंगे कौन से जिले में है, पर आप डिटेल पढ़ा रहे हो ना, ये पहली बार पढ़ रहे हैं हम तो, ये डिटेल पढ़ा रहे हो ना, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। पर देखिए डिटेल से भी प्रश्न आ सकता है प्यारे साथियों, एग्जामिनर का क्या पता किस मूड से बैठ जाए, ठीक है ना, इस वजह से मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। ये पड़ेगा आपका कहां पर है, ठीक है, ये है आपका जोड़बीड़ बीकानेर में, जोड़बीड़ बीकानेर। देखिएगा क्या है भाई, जो बीकानेर जिला मुख्यालय है ना उससे 8 किलोमीटर की दूरी पर है कौन सा गांव, जोड़बीड़ गांव। 8 किलोमीटर जोड़बीड़ है शहर से, बीकानेर शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर जोड़बीड़ है, वहां पर राष्ट्रीय अनुसंधान ऊंट अनुसंधान केंद्र का वहां पर है स्थापित किया गया। अब यहां से आपका एक सवाल और बन रहा है प्यारे साथियों, किसके द्वारा स्थापित किया गया, यह आपका स्थापित किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप लिखिएगा स्थापित किसके द्वारा किया गया, स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, कहां पर, जोड़बीड़ बीकानेर में, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है कहां पर, जोड़बीड़ बीकानेर में की जाती है प्यारे साथियों, कब की जाती है, बहुत ही गजब का सवाल है भाई, पूछ लेगा आपसे कब की गई बताओ। ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1984 में की गई, 1984 को आपको याद है प्यारे साथियों, 1984 में सिख दंगे हुए थे, उस समय प्रधानमंत्री जो 31 अक्टूबर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी की, ठीक है, और आपको पता है 1984 इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो 1984 में ही क्या हुआ था, ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोड़बीड़ बीकानेर में होती है, बिल्कुल कब होती है, 1984 में होती है प्यारे साथियों। अब देखिएगा भाई ऊंट के बारे में आ रही बात, ऊंट को क्या कहते हैं, यह राजस्थान का राज्य पशु है पशुधन की श्रेणी से, ठीक है, इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं भाई, रेगिस्तान का जहाज, राजस्थान का राज्य पशु पशुधन की श्रेणी से, ठीक है। अब एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी छाप दो कि इसको कब घोषित किया गया, बिल्कुल बहुत ही शानदार, उस समय मैं ये आपको इंट दे देता हूं कि उस समय इसको घोषित करते समय उस समय राजस्थान की जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे थी, ठीक है भाई, बिल्कुल बहुत ही शानदार आपके कमेंट चल रहे हैं, हाँ बिल्कुल। अब एक एक चीज और देखिएगा यहां पर, बिल्कुल ऊंट के बारे में आपने बात की थी, अब देख लो भाई आगे एक आएगा आपका कैमिल क्रॉप्स, कैमिल क्रॉप्स, इसको आप याद रखिए, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं, यानी कैमिल क्रॉप्स क्या है, कैमिल क्रॉप्स क्या है, किसके द्वारा इसका गठन होता है, क्या है ये मामला आखिरकार क्या है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कैमिल क्रॉप्स है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल। अब देखिएगा ये भाई गंगा सिंह थे, कौन थे, बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा गठित किया गया, किसका, कैमिल कोपर्स का, गंगा सिंह, गंगा सिंह के द्वारा कैमिल कोपर्स का गठन किया जाता है प्यारे साथियों, और ये कब किया जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है, कैमिल कोपर्स का गठन लगभग, मैं बात करूं यहां एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिला मेरे को प्यारे साथियों, लगभग 1890 के आसपास, लगभग में आंकड़ा मिला, लगभग 1890 के आसपास महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा कैमिल कोपर्स का गठन किया जाता है। और भाई कैमिल कोपर्स ने झंडे गाड़े भाई, कौन कौन से युद्ध में झंडे गाड़े, प्रथम विश्व युद्ध में इसने भाग लिया, ये भाई ये टुकड़ी थी ऊंटों की, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, वह द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसने भाग लिया, द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसने भाग लिया,
ठीक है, ये कैमिल कोपर्स थी प्यारे साथियों। अब आपसे पूछ लेगा कैमिल कोपर्स का संबंध किस रियासत से है, बीकानेर रियासत से है, कौन से महाराजा से है, गंगा सिंह महाराजा से है, कब किया गया, 1890 में किया गया, 90 के लगभग किया गया प्यारे साथियों, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिला मेरे को। उसके बाद मैं बात करता हूं, यहां पर बहुत ही शानदार आपका अगला सवाल सकता है, कैमिल कोपर्स ने भाग लिया प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में प्यारे साथियों। आगे आपका सवाल बन सकता है कि ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो प्यारे साथियों ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है यह भी आपसे प्रश्न हो सकता है। ऊंट महोत्सव यह मनाया जाता है आपका बीकानेर में, कब मनाया जाता है भाई, वो कहां मनाया जाता है, बीकानेर में, कब मनाया जाता है, जनवरी माह में, कब मनाया जाता है, जनवरी माह में मनाया जाता है। और अगर मैं इसकी डेट की बात करूं तो आपसे डेट भी पूछ सकता है, 12 और 13 जनवरी के मध्य, यानी या तो 12 जनवरी को या 13 जनवरी को, ये जनवरी लगभग आप बात करें तो जनवरी माह में ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, प्रत्येक साल ऐसा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और कोई डाउट आपका ऊंट अनुसंधान के अंदर आपका क्लियर होता है, बिल्कुल मुझे लगता नहीं है प्यारे साथी आपका कोई डाउट रहा होगा, क्योंकि जो भी फैक्ट जहां पर भी मैंने डाटा इकट्ठा किया है बिल्कुल टू दी पॉइंट डाटा है, और ये फैक्ट एग्जाम में आपको काफी कारगर साबित होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, उसके बाद बात करते हैं अपन राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई, छाप दो फटाफट छाप दो, ये लो भाई ये कहां पर है, ये पड़ेगा आपका तबीजी, रट रखा है आपने तबीजी अजमेर। अब यहां पर मैं एक नया गांव बताऊंगा आपको, ये नया गांव भी आपसे पूछा जा सकता है, गांव का नाम है डूमड़ा गांव, कौन सा गांव, डूमड़ा गांव, तबीजी अजमेर ना दे क्या पता डूमड़ा गांव दे दे, डूमड़ा गांव, एग्जामिनर का क्या पता कौन सा प्रश्न उठा ले, डूमड़ा गांव, डूमड़ा गांव, डूमड़ा गांव तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना 22 अप्रैल 2000 में होती है, कब होती है प्यारे साथियों, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है, छापो फटाफट पृथ्वी दिवस आता है, बिल्कुल 22 अप्रैल 2000 में डूमड़ा गांव तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है प्यारे साथियों। किसके द्वारा होती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, स्थापित किसके द्वारा है, स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब बताओ भाई इससे ज्यादा डिटेल क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, यह पूछेगा कहां पर है, ठीक है हमने बता दिया डूमड़ा गांव तबीजी अजमेर में, कब स्थापना होती है इसकी, इसकी स्थापना आपने बता दी 22 अप्रैल 2000 में होती है, किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा स्थापित किया जाता है। अब बताओ इससे ज्यादा क्या आप पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, बिल्कुल अब बताओ इससे ज्यादा क्या पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा कुछ प्रश्न बनता ही नहीं है प्यारे साथियों, इतना डिटेल आपसे पूछेगा ना, आप थोड़ा थोड़ा मैं कह रहा हूं आपके जो अनुसंधान केंद्रों संबंधित प्रश्न है ना, मैं टॉपिक वाइज ऐसे ही करवाऊंगा आपको, और बिल्कुल डिटेल के साथ दो वीडियो लेकर आऊंगा अनुसंधान परिषद की, बिल्कुल जो अभी आपके अनुसंधान जो केंद्र है ना, दो वीडियो में सारा डाटा क्लियर, उसके बाद एक आपको मिलने वाला इसका टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में आप धुआं उठा दोगे प्यारे साथियों, क्योंकि आपने वो थ्योरी पढ़ी है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार आपके कमेंट वगैरह चल रहे हैं जैसा मैं देख पा रहा हूं। ठीक है भाई आगे बढ़े, आगे चलो भाई, अब आगे आती है बात अरबी फारसी शोध संस्थान, अब ये कहां पर है भाई, अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान, अरे बोलो गुरुजी ये तो याद है, अरे तो बताओ प्यारे साथियों ये कहां पर है, अरबी फारसी शोध संस्थान की बात आती है
तो आप लोगों के जहन में आता है, बोला टोंक में है, 4 दिसंबर 1978 की स्थापना की जाती है और राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। मैं बोला छाप दो भाई, कहां पर है, तुमने बता दिया, तो मैं बोला छाप दो, टोंक में है, ठीक है टोंक में है, कब की जाती है इसकी स्थापना, 4 दिसंबर, ठीक है भाई 4 दिसंबर 1978 में इसकी स्थापना की जाती है, कब की जाती है, 4 दिसंबर 1978 में इसकी स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, आपने बताया, बोला सर राजस्थान सरकार ने कर दिया, इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, भारत राजस्थान सरकार ने इसकी स्थापना कर दी। मैं बोला ठीक है भाई चलने दो जैसा चल रहा है, आप लोगों तो याद कर लो, आप लोगों को तो अपना उद्देश्य, क्योंकि हर एक इंसान का उद्देश्य है और आपका उद्देश्य है शिक्षक बनना ग्रेड थर्ड का, बिल्कुल। अब बोला सर इसका भी उद्देश्य है, मैं बोला आपका ही उद्देश्य है, मैं सोचता हूँ इसका भी उद्देश्य, आपने बताया, बोला आपने क्या बताया, बोला सर अरबी फारसी भाषा व साहित्य के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने इसकी स्थापना की। तो अब लिख दो भाई इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य है अरबी फारसी भाषा का विकास, अरबी फारसी भाषा का विकास, अरबी फारसी भाषा का विकास व अरबी फारसी भाषा का विकास व साहित्यिक के विकास के लिए, क्या भाई साहित्यिक विकास के लिए क्या कर दिया, राजस्थान सरकार ने स्थापना कर दी भाई, राजस्थान सरकार ने स्थापित किया, ठीक है। उद्देश्य था अरबी फारसी भाषा का विकास साहित्यिक विकास के लिए राजस्थान सरकार ने अरबी फारसी संस्थान टोंक में इसकी स्थापना कर दी। प्यारे साथियों 4 दिसंबर 1978 को राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है। अब भाई एक थोड़ा सा लॉजिक इसमें भी है, उस लॉजिक को भी देख लो, साल आता है 1981 का, स्थापना तो आपको पता ही है 4 दिसंबर 1978, ठीक है। अब साल 1981 का आया, इसमें भाई इसका भी नाम बदल गया, अरबी फारसी तो आपको पता ही है, पहला प्राचीन नाम यानी प्रारंभिक नाम अरबी फारसी, ठीक है, अरबी फारसी शोध संस्थान था आपको पता है, उसके बाद इसका नाम हो जाता है प्यारे साथियों, थोड़ा सा परिवर्तन आता है, अरबी फारसी शोध संस्थान, ठीक है भाई। प्रारंभिक नाम यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रारंभिक नाम, ठीक है, वर्तमान नाम, इसमें एक चीज जोड़ लो भाई, क्या जोड़ना है, मौलाना, अब आप लोग बताओगे कि मौलाना, देखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या जोड़ना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अरबी फारसी वो तो सेम रहेगा, अरबी फारसी शोध संस्थान हो गया भाई, क्या हो गया, शोध संस्थान हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, प्रारंभ में नाम था अरबी फारसी शोध संस्थान और अब क्या हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके नाम पर इस संस्थान का नाम 4 दिसंबर 1978 को स्थापित हुआ था, 1981 में इसका नाम बदलकर मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में जो स्थापित है उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब बताओ भाई अरबी फारसी संस्थान के बारे में पूछ भाई, क्या पूछेगा, बोला तू डाल डाल मैं पात पात, एग्जामिनर डाल डाल रहेगा तो आप पात पात रहोगे, इस तरह से आपका कंटेंट आपको इकट्ठा करके आपके बीच रख दूंगा प्यारे साथियों, आप प्यार बनाए रखिएगा, आपके पास जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उसके बाद अब बताओ भाई आपका कोई डाउट है क्या, बताओ कोई सवाल हो, बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये कवर किया होगा, ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद बात करते हैं भाई बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना का, कौन सी परियोजना है, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, कौन सी परियोजना है भाई, चारा उत्पादन परियोजना, यह परियोजना भाई काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहां
किसके सहयोग से? छापो भाई फटाफट, छापो आपने क्या क्या पढ़ रखा है। देखिएगा भाई, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर के बढ़ेंगे। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, बिल्कुल सारा डिटेल से कर। अब ये जो आपका है बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, ये पड़ता है आपके रामसर अजमेर में। कहां पर है? रामसर अजमेर में है, रामसर अजमेर में पड़ता है भाई। यहां पर ये परियोजना चलाई गई, किसके सहयोग से चलाई गई? स्विट्जरलैंड के सहयोग से चलाई गई, स्विट्जरलैंड के सहयोग से। ठीक है, किसके द्वारा, किसके सहयोग से और किसके द्वारा ये चलाई गई प्यारे साथियों? आपकी राज्य सरकार के द्वारा। आप बोला पूछे एग्जामिनर क्या पूछता है, बोला मैंने तो यह भी पढ़ लिया, राजस्थान सरकार चला देती है स्विट्जरलैंड के सहयोग से, तब रामसर अजमेर में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना। बोलो पूछ क्या पूछेगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ डाटा? बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना रामसर अजमेर में चलती है भाई, बिल्कुल डाटा क्लियर हो गया। अब ये क्लियर होगा, उसके बाद अगला आपका आता है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान। अगला जो अनुसंधान केंद्र आता है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, इसमें बहुत तगड़ा लॉजिक है भाई, उसको समझना। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, थोड़ा सा समझोगे आराम से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है अनुसंधान केंद्र। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट है? देखिए भाई दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपका है, ये पड़ेगा आपका करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में क्या है, इसका प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र जिसे बोलते हैं ना हेड ऑफ ब्रांच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहां पर है इसका, इसका पड़ेगा आपका, सॉरी प्यारे साथियों यहां पर बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा हम लोगों ने मिस टाइप कर दिया, हिसार है भाई। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हिसार ही है, जैसा कि मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, बिल्कुल हिसार में क्या है इसका प्रमुख केंद्र, यानी जो भारत का जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है ना वो कहां पर है? हिसार हरियाणा में है। कहां पर है भाई? हिसार हरियाणा में। अब इसकी स्थापना की जाती है प्यारे साथियों 7 जनवरी, कब की जाती है? 7 जनवरी 1986, 7 जनवरी 1986 की इसकी स्थापना की जाती है। आपने जो राजस्थान में है ना, राजस्थान में जो बीकानेर में, बीकानेर में है ना, वो क्या है इसकी एक शाखा है, एक तरह से बोल सकते हो उपकेंद्र है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये शाखा है भाई, कहां पर है? बीकानेर में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर ही पढ़ते हैं आप, परंतु ये कॉन्सेप्ट आपको बताना इस तरह से जरूरी था, क्या पता ऑप्शन में हिसार भी दे दे, क्या पता ऑप्शन में हिसार भी दे दे आपसे और पूछ ले कि बताओ राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है भारत में, तो आप लोग क्या करोगे? हिसार हरियाणा में 7 जनवरी 1986 को स्थापित था, परंतु आपसे ऑप्शन में पूछे राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है और राजस्थान के ही 4 जिले हो, नो टेंशन होकर बीकानेर ठोक देना। और बीकानेर प्यारे साथियों 1989 में इसका स्थापित किया जाता है, 1989 में स्थापित किया जाता है, इसको याद रखना। हिसार हरियाणा में है और इसकी स्थापना कब की जाती है? 7 जनवरी 1986 को राजस्थान के बीकानेर में अश्व केंद्र स्थापित किया जाता है प्यारे साथियों 1989 में। अब इसकी राजस्थान में जरूरत क्या पड़ी, आप लोग बताओ राजस्थान में क्यों जरूरत पड़ी, आप लोगों का सवाल होगा क्योंकि हर चीज का उद्देश्य होता है। इस तरह इसका भी उद्देश्य था घोड़ों में, बिल्कुल राजस्थान के जो घोड़े हैं ना उनमें प्रजनन पोषण और जो उनका वंश वृद्धि, मतलब जो नए नए जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनकी वृद्धि से संबंधित, उनकी दिनचर्या से संबंधित, तो उन सभी को करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। तो इसका उद्देश्य लिख लो, उद्देश्य राजस्थान में अश्वों में वृद्धि। ठीक है, अब वो वृद्धि पोषण से संबंधित, शारीरिक वृद्धि, उनके जो नए नए जो वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं जीन को लेकर कि भाई इससे अच्छे से अच्छा नस्ल पैदा हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे,
इस वजह से इसकी स्थापना की गई प्यारे साथियों बीकानेर में। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट आपका, बताओ इससे रिलेटेड कोई डाउट है क्या? डाउट रहेगा ही नहीं। आप लोग याद रखना, अश्व का केंद्र किस तरह से पूछेगा? हिसार हरियाणा में है, बिल्कुल 7 जनवरी 1986। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आएगा बीकानेर 1989, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे आप पढ़ेंगे अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र। कौन सा पढ़ेंगे? अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र, अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र। ये लो भाई खजूर अनुसंधान, भाई खजूर को देखकर बचपन में हम लोग भी, हमारे पास में खजूर के बहुत सारे पेड़ हैं क्योंकि हम सर इसका अभ्यारण्य से, आपको पता है, अब हम बचपन में जाया करते थे, इसके खजूर के लेड़ की लगती है ऊपर, आपको पता है खजूर का पेड़ कितना लंबा होता है। अब भाई बचपन में एक बार चढ़ गए उसके ऊपर, इस पेड़ पर क्या होता है, चढ़ना तो बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे रहता ही, इसमें ऐसे होते हैं ना। अब इस पर पैर रखे, इस पर रखे, इस पर रखे, चढ़ तो गए भाई। अब उतरते टाइम आपको पता है पेड़ बहुत लंबा होता है, उतरने में इतनी कठिनाई आती है क्योंकि पैंट भी फट जाती थी प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे घिसट घिसट के आते नीचे, पूरी पैंट फट जाती थी। और जब पर बचपन में कुछ आनंद ही और होता था, 5-7 दोस्त मिलकर जाते थे, क्या खाने के लिए, लेड़की खाने के लिए, अब एक चढ़ जाता खजूर पर, फिर ऊपर से काटता, फिर नीचे पड़ती है, फिर इकट्ठा करते, फिर लाते घर, फिर खाते, ऐसा मजा ही कुछ और था। अब प्यारे साथियों अब जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है, अब देखते हैं भाई, बात करते हैं अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र, ये पड़ेगा आपका बीछवाल। ये बीछवाल कहां पर है, कहां पर है? बीकानेर में है, बीकानेर में बीछवाल है, कहां पर है? बीकानेर में बीछवाल है। अब बीछवाल में भाई एक यूनिवर्सिटी है और वो उस यूनिवर्सिटी का नाम है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा है? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीछवाल बीकानेर में। अब भाई स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है जो राजस्थान कृषि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है, ये कहां पर है, किस नाम से है? स्वामी केशवानंद जी के नाम से है, बीछवाल बीकानेर में। इसी के कैंपस में अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है प्यारे साथियों, इसके कैंपस में ही इसकी स्थापना की जाती है। अब बताओ, अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कहां पर है, देखिएगा जिसमें जो डिटेल बनती है ना वही डिटेल लेकर आऊं, जहां तक मैंने को डाटा जुटाने की कोशिश की। अब आप लोग को दिमाग में सर सवाल आ रहा होगा, बच्चों सर बताओ इसकी भी डेट बताओ। प्यारे साथियों जो जो डाटा मुझे उपलब्ध हुआ है मैं वो डाटा आपके बीच साझा कर रहा हूं, ठीक है? कहां पर है, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बने हैं ना, देखिएगा आप सेवर भरतपुर पढ़ो, काफी एग्जामों में आ लिया, बताओ भाई सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बताओ सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां, बताओ। तो ऐसा आपकी बार क्या एग्जाम थोड़ा आगे लेवल तक जा सकता है। अब जिस टॉपिक के बारे में प्रश्न अभी तक पूछा ही नहीं गया तो उसे यही पूछेगा, बताओ अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बीछवाल बीकानेर में, जिससे जो डिटेल बनती है ना, जिसे गांव तक गहराई में जा सकता है, वो सवाल आपके बीच रखने की कोशिश की गई है, ठीक है? आगे बढ़िएगा, आगे मैं बात करता हूं, अब बात करेंगे भाई केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहां पर है इसको भी देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये भी भाई वही है, कहां पर है? बीछवाल बीकानेर में है। अब बीछवाल बीकानेर में आपको पता ही वही केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उसी के कैंपस में है ये भी बीकानेर, ये उसी के कैंपस में है, ठीक है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर बीछवाल, और ये जो स्वामी केशवानंद आपका जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है उसी के अंतर्गत, ये उसी के कैंपस में स्थित है भाई, ठीक है? बिल्कुल बहुत ही शानदार आपके कमेंट चल रहे हैं जैसा मैं देख पा रहा हूं, ठीक है? अब आपसे अगला प्रश्न पूछेगा,
अनुसंधान केंद्रों को लेकर एक प्रश्न और पूछ सकता है भाई आपसे, बताओ सौर वैद्यशाला कहां पर है? यह भी एक केंद्र से संबंधित प्रश्न मिला मेरे को, तो मैंने डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की सौर वैद्यशाला के बारे में। सौर वैद्यशाला, अब आप लोगों ने सौर वैद्यशाला खूब पढ़ा है, अब आप लोगों ने उत्तर चेप दिया, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील उदयपुर। बोलो सर कितना इजी है, ऐसा प्रश्न पूछेगा क्या एग्जामिनर? ऐसे में तो हम लंका लगा देंगे पेपर देने वाले की। ठीक है, अब बताओ भाई फतेह सागर झील उदयपुर, अब यहां तक नहीं रुकना आपको, आपको तो बहुत डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको एक मिनट के लिए, ठीक है हाँ, इसको अपन यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, बोलो सर ऐसा प्रश्न आएगा तो बोलो हम आराम से कर देंगे, कोई टेंशन ही मत लो आप। बिल्कुल, अब भाई देखो यहां से स्थापना की बात की जाए 1976 में, यहां पर आपको दो डेट याद कराऊं मैं, एक तो डेट याद करूंगा 1976 की डेट, और दूसरी डेट मैं याद करवाऊंगा आपको 1981 की डेट। कौन सी डेट याद करवाऊंगा? 1981 की डेट। अब ये डेट क्यों याद करनी है आपको वो भी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है भाई, 1976 में तो इसकी क्या होती है, स्थापना होती है किसकी? सौर वैद्यशाला की। कहां पर होती है? फतेह सागर झील में होती है। किसकी देखरेख में होती है? डॉक्टर अरविंद भटनागर, डॉक्टर अरविंद भटनागर की देखरेख में होती है। अब भाई देखिए डॉक्टर अरविंद भटनागर के दिमाग में क्या अचानक ऐसा विचार आ गया, बोलो सर ऐसे ऐसे फतेह सागर झील है उदयपुर में और वहां पर एक क्या बनानी है हमको, एक सौर वैद्यशाला बनानी है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इस वैद्यशाला के देखिएगा, ये वैद्यशाला है ना जो अपने राजस्थान के फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है, उसके एक द्वीप पर स्थित है, ये कॉपी किया हुआ है। कहां से कॉपी किया हुआ है? बिल्कुल यही तो बहुत गजब वाला सवाल पूछेगा आपसे एग्जामिनर, इसको यहां लिखे अगले पेज में। दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया भाई, दक्षिणी कैलिफोर्निया, बोला सर ये कहां पड़ता है? ये यूएसए में पड़ता है भाई। अब यहां पर एक झील है, कौन सी झील है? यहां पर एक झील है बिग बियर झील। कौन सी झील है? बिग बियर झील। झील का नाम लिख लो, झील बिग बियर, बड़ी बियर मत कर देना, बिग बियर झील। कहां पर है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। बोलो सर ये क्यों बता रहे हो आप हमें, इसकी क्या जरूरत पड़ गई बिग बियर झील की? अब भाई इस झील में भी क्या है? सौर वैद्यशाला है, सौर वैद्यशाला है। ठीक है, सौर वैद्यशाला है, बिग बियर झील है ना, उसमें भी क्या है? सौर वैद्यशाला है, जो कहां पर है? दक्षिणी कैलिफोर्निया की बिग बियर झील के सौर वैद्यशाला की कॉपी करके, यानी उसका उसकी देखरेख में, उसकी तर्ज पर डॉक्टर अरविंद भटनागर ने 1976 में फतेह सागर झील उदयपुर के एक द्वीप पर क्या कर दी? सौर वैद्यशाला की स्थापना करवा दी गई। ठीक है, कब करवाई? अब आ जाओ प्रीवियस पेज पर, कब करवाई? 1976 में, वो आपने डाटा कर लिया। अब 1981 का डेट में आपको क्यों याद करवाऊं? 1981 में क्या होता है उसको भी समझो। 1981 का डेट है ना, वो भी बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसका प्रबंधन भारत सरकार के द्वारा जो अंतरिक्ष विज्ञान है, अंतरिक्ष जो मामलात है, उसका जो आपका भौतिकी अनुसंधान जो प्रयोगशाला है अहमदाबाद, उसके द्वारा इसका प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया गया। ठीक है भाई, उसके द्वारा इसका प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, यहां पर ये देख लिया, भौतिकी जो प्रयोगशाला आपका, भौतिकी प्रयोगशाला अहमदाबाद 1981 में, भौतिकी जो आपका अनुसंधान प्रयोगशाला है प्यारे साथियों, यहां पर आप अनुसंधान और ऐड कर लीजिएगा, अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के द्वारा इसका प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया गया। यानी अब इसका जो प्रबंधन है ना, कौन कर रहा है? इसका प्रबंधन कर रहा है बिल्कुल भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। अब आपसे छोटा सा सवाल, भूगोल का सवाल है, बोलो फतेह सागर झील किसने बनवाई है तो बता दो। बोलो सर हम याद है हमें बिल्कुल अच्छे से, फतेह सिंह थे भाई, फतेह सागर झील फतेह सिंह ने बनवाई, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। फतेह सिंह के द्वारा, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के द्वारा फतेह सागर झील बनवाई,
इस झील में नेहरू पार्क है, सौर वैधशाला स्थापित की गई है। अब आप लोग ये बिल्कुल बता दोगे ना किस झील के, दक्षिणी कैलिफोर्निया की बिग बियर झील अरविंद भटनागर के द्वारा, उसकी देखरेख में 1976 में इसकी स्थापना की जाती है। गुरी से कैसे में इसका प्रबंधन ले लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, जो अंतरिक्ष विभाग के लिए जो भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद है उसके द्वारा इसकी स्थापना यानी इसका प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया जाता है। अब बताओ भाई, अब बता दो एक बार, अब सौर वैधशाला संबंधित कोई प्रश्न गलत हो गया क्या? अरे बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कोई गलत होगा क्या? चलो तो चलो आगे बढ़ो भाई। कितनी टाइम का सेशन हो गया, चलो तो भाई आज के लिए अपन यहीं तक रखेंगे, काफी टाइम हो चुका है। अब देखिएगा भाई, कल यानी जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें अन्य केंद्र, ठीक है, अन्य जो भी प्रमुख केंद्र हैं उन सभी को कवर कर देंगे। दो पार्ट लेकर आऊंगा, उसके बाद आपके बीच इससे जुड़े टॉप एमसीक्यू जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रमुख अनुसंधान केंद्रों से संबंधित, स्थापना संबंधित, उनके कार्यक्षेत्र संबंधित, सभी को लेकर आपके बीच मैं आऊंगा। तीन सेशन हर टॉपिक के लूंगा मैं, ज्यादा छोटा होगा उसके दो होंगे, क्योंकि एक दिन में थ्योरी होगी, एक दिन में आपका क्या होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप से आपके प्रश्न सोल्व करवाऊंगा। प्यारे साथियों, अब आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता दो आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा, आपके दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है, बिल्कुल एक जगह आपको कंटेंट मिलेगा, आपका समय खराब नहीं होगा। प्यारे साथियों, ऐसे ही आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी को कम समय में 4 चांद लग सके। धन्यवाद।